माय नेम इज सोची, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय मेसी किचन। और मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए समर स्पेशल ड्रिंक जो कि है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज और इनको मैंने ऐसे कट कर लिया है, तो आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग जार में, तो ये सारी स्ट्रॉबेरीज मैं ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून शुगर, तो आप स्ट्रॉबेरीज की स्वीटनेस के अकॉर्डिंग शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क। सो देखिए, एक स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो गया है स्ट्रॉबेरी और शुगर का। थोड़े थोड़े से इसमें लम्स रह गए हैं, तो वो आगे जब हम ब्लेंड करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 to 5 आइस क्यूब्स। उसके बाद मैं अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जो कि है वनीला आइसक्रीम। आप इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं या जो भी आइसक्रीम आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 full cup ऑफ मिल्क, तो ये बॉयल्ड चिल्ड करा हुआ मिल्क है। और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना फ्रॉदी हमारा मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है और ये बिल्कुल लम्प फ्री मिक्सचर रेडी हो गया है। अब टाइम आता है इसकी गार्निशिंग करने के लिए, तो गार्निशिंग के लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज को ऐसे चॉप किया हुआ है और अब हम इसको ग्लास में ऐसे थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये स्ट्रॉबेरी उसमें अपने आप चिपक जाएगी। तो ऐसे ही मैं बाकी स्ट्रॉबेरीज को भी इसमें प्रेस करके चिपका रही हूँ। और अब हम पोर करेंगे अपना फ्रॉदी मिल्की स्ट्रॉबेरी शेक इसमें। और फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी वनीला आइसक्रीम, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 scoops ऑफ वनीला आइसक्रीम। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज और ऐड कर रही हूँ, और मेरे पास टूटी फ्रूटी थी घर पे तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। तो देखिए, डिलीशियस फ्रॉदी क्रीमी मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। रिफ्रेशिंग ड्रिंक पसंद आई होगी, तो देरी किस बात की, आज ही बनाइए ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एंड टैग करिए माय मेसी किचन को। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।